आपको लेकर जा रहे हैं एक ऐसी यात्रा पर जहां शिक्षा की सफलता के पथ पर चल रहे बच्चों के संघर्ष की कहानी है। इस यात्रा में हम ये समझेंगे कि शिक्षा का महत्व क्या है। इन बच्चों की कहानी आपको ये दिखाएगी कि एक छोटे से सपने में छुपा हुआ जीवन के वो सारे सपने किसी को कैसे अनमोल बना सकते हैं। तो मौसम का है मेहमान तू तो, ओ दुनिया सजी तेरे लिए, खुद को जरा पहचान तू। हैरान तू मौसम का है मेहमान तू। उनकी मुस्कान में छुपा हुआ उनका संघर्ष हमें हमारे स्कूल के दिनों की याद दिलाता था। जब हमने इन बच्चों को देखा महसूस हुआ कि ये छोटे से सपनों की ऊंचाइयों पर कैसे कठिनाइयों का सामना करें। स्ट्रीट टू स्कूल नामक एक एनजीओ है जो बच्चों के भविष्य को समर्पित करता है। यहाँ की योजना का एक बहुत ही मुख्य उद्देश्य गरीब बच्चों को शिक्षा का मौका देना। आइए जानते हैं कि इन बच्चों के जो सपने वो कितने बड़े हैं। क्या बनना है बड़े होके? आर्मी में जाना है सर। मेरा सपना है डॉक्टर बनने का। टीचर, पुलिस ऑफिसर, डॉक्टर। मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। डॉक्टर, मेरे को इंजीनियर बनना है। मैं क्रिकेट खेलूंगा। प्लीज। क्यों? क्रिकेट खेल के अपने देश का नाम रोशन करें। मैं गरीब लोगों की मदद करना चाहती हूँ। सर जी, देश की सेवा करेंगे क्योंकि देश में बहुत चोर घूम रहे हैं उनको पकड़ने के लिए। चोरों को पकड़ने के लिए? क्योंकि वो जो नए मरीज आते हैं ना उनको ठीक करने के लिए। तो आप भी ठीक करोगे? यस। क्यों? हमारे दादाजी थे और हमारे पापा यही सिखाते थे कि बेटा पुलिस बड़े होकर पुलिस ऑफिस से हम इंसाफ दिलाते हैं और इंसाफ पाते हैं, अच्छाई को बुराई पे पाते हैं। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मेरा सपना है कि मैं डॉक्टर बनूं और बड़े होकर गरीबों का इलाज करूं। क्या बनना है बड़े होके? तू क्या बनना है बड़े होके? अभी मेरे को पता नहीं है क्या बनना है। डॉक्टर बनना है। क्यों? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। आपको बड़े होके क्या बनना है? आई वॉन्ट टू बिकम पुलिसमैन। पुलिसमैन? क्यों? मुझे देश की सेवा करनी है। तुम्हें देश की सेवा करनी है? यहाँ पर कुछ मेरे दोस्तों ने पढ़ाने का काम किया, किसी ने बच्चों की मदद की तो किसी ने बच्चे के साथ खेला, किसी ने बच्चों की प्रॉब्लम सुनकर उसे सॉल्व किया तो कुछ बच्चों को हंसाने में ही लगे रहते थे। इस एनजीओ में आके मुझे बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा।
मैं जब फर्स्ट डे यहाँ आई थी तो स्टूडेंट्स और टीचर्स सभी बहुत ही वेलकमिंग थे और मेरी काफी इंटरेक्शन हुई स्टूडेंट्स के साथ और मैंने पर्सनली भी बहुत कुछ ऑब्जर्व किया यहाँ यहाँ के जितने स्टूडेंट्स है सब बहुत ही ज्यादा एंथुसियास्टिक है। यहाँ आने के बाद जो मैंने एक सबसे ज्यादा एक चीज नोटिस करी वो ये थी कि यहाँ के बच्चों में एक सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म था और यहाँ के मैक्सिमम बच्चे सब आर्मी में जाना चाह रहे हैं। और जब मैंने इनके पीछे रीजंस जानने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि कैसे उनके भैया उनके ग्रैंड पेरेंट्स इस देश को सर्व करते हुए वो लोग शहीद। तो एक सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म ऐसे ही डेवलप हुई इनमें और दिस इज द रीजन व्हाई दे वांट टू गो इनटू आर्मी। इस एनजीओ में द बेस्ट थिंग दैट आई लाइक अबाउट दिस एनजीओ इज कि यहाँ का जो इनिशिएटिव है इट्स वेरी गुड इट्स वेरी नोबल कि बच्चों को पढ़ाना इट्स समथिंग दैट आई थिंक एवरी चाइल्ड डिजर्व्स। और यहाँ का एक बच्चों में जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगती है वो है दे आर वेरी शार्प द फैक्ट दैट दीज किड्स वॉन्ट टू लर्न एंड यहाँ पे आते हैं दीज किड्स लर्न दे गो बैक दे डू प्रैक्टिस एंड व्हेन द नेक्स्ट वीक वी कम बैक दे स्टिल रिमेम्बर ऑल द थिंग्स। Also, one thing about the founder that I like very much is Ms. Umesh sir is funding this NGO from his salary itself. So, I think it gives us an inspiration. At the same time, these kids themselves also are an inspiration in themselves. Ki aao, padho, aur inke saath tum time bitaoge, toh you know that these are good kids. They have a breakfast. Mujhe umeed nahi thi ki teaching mein itna maza aa sakta hai. स्टार्टिंग में मैं थोड़ा सोच रहा था कि कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहेगा। जैसे मैं सिक्स क्लास को मैथ्स पढ़ा रहा हूँ अच्छा है अब पता चला टीचर्स की वैल्यू क्या है लाइफ में बहुत तो मुझे नहीं पता था कि दूसरों को मदद करने से इतना खुद को अच्छा लगेगा। मेरा ये एक लाइफ का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था जो इन लोगों को पढ़ाना सोसाइटी के ये भी लोग हैं जो डिजर्व करते हैं पढ़ना ये चीज मैं अपनी लाइफ में कंटिन्यू रखने वाला हूँ एंड आई मेक श्योर कि ये लोग जो डिजर्व करते हैं ये लोग कहीं पीछे ना रह जाएं जो चाहे स्टडीज में आई वांट हो। तो जब से मुझे पता लगा कि मुझे इस एनजीओ में जाके बच्चों को पढ़ाना है तो तब से ये बहुत मेरे मन में सहायता थी कि मैं बच्चों को जाके पढ़ाऊंगा उनसे मौज मस्ती करूंगा और इन बच्चों ने मेरे को बहुत कुछ सिखाया है इनको पढ़ाना इनसे प्यार से बात करना और सबसे जरूरी बात इन्होंने सिखाई मेरे को पेशेंस कि कैसे आराम से जाके इनसे बात करनी ज्यादा गुस्सा नहीं करना। Hi there, I'm having fun with you. Teaches me a lot of patience. I'm teaching them Hindi today. So Hindi is a language that I'm not very confident at, but teaching them gives me confidence. So it's a very delightful experience. वैसे तो इन मुस्कुराहटों की खामोशी में छुपा हुआ एक अनमोल सच यह सच है कि शिक्षा से ही हर सपना साकार हो सकता है। इस सफलता की यात्रा में हमने देखा है कि छोटी शिक्षा और मेहनत से कैसे ये बच्चे अपने भविष्य को सजा रहे हैं और हम सब की सिर्फ इतनी ही कोशिश थी कि हम सब मिल करके इन बच्चों के जीवन में एक नया परिवर्तन ला सकें। आइए इन मुस्कानों को बनाए रखने के लिए हम सब मिलकर उनके सपनों का साकार करें साथी बने सहयोग करें और इन बच्चों के सपनों को हकीकत में बदलने के लिए